नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कथित रेलवे अधिकारी एवं कथित भाजपा नेता समेत आधा दर्जन लोगों की ओर से रेलवे विभाग में टिकट चेकर के पद पर नौकरी दिलवाने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने 7 नामजद लोगों के खिलाफ शहर थाना पुलिस को शिकायत दी है। पलवल के निकटवर्ती गांव कारना निवासी विजय ने अपनी शिकायत शहर थाना पुलिस को देते हुए बताया कि उसके पुत्र को रेलवे में टिकट चेकर की नौकरी दिलवाने के नाम पर करीब आधा दर्जन लोगों ने उससे 19,70,000 रुपए की राशि की ठगी कर ली है। पीड़ित ने बताया कि इसमें से 8 लाख रुपए की राशि उसने नकद दी है, जबकि 11,70,000 रुपए की राशि विभिन्न खातों में आरोपियों की ओर से डलवाई गई है। आरोपी पीड़ित को पिछले 2 वर्ष से झांसे में रखते हुए रकम ठगने में लगे हुए थे। पीड़ित ने अपनी शिकायत में ये भी बताया कि अपने आप को रेलवे में बड़े पद पर बताने वाली अनूप शर्मा भी इनके साथ शामिल है। ठगी करने वालों में गांव मानपुर निवासी केशव, गांव बमरोला निवासी योगेश, गांव भिड़ुकी निवासी कल्लू, अपने आप को भाजपा का जिलाध्यक्ष बताने वाला मनदीप और रवि शामिल है। जब ठगी के इस मामले में शहर थाना प्रभारी अनूप सिंह से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि पीड़ित ने शिकायत दी है, जिस पर जांच की जा रही है। जांच के बाद इस मामले में जो उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। होटल से हमारे संवाददाता रतन सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? विजयपाल जी। विजयपाल जी, कहाँ के रहने वाले? कारने का रहने वाला हूँ जी। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना मेरे साथ धोखाधड़ी हुई जी, 20 लाख रुपए की जी। कैसे धोखाधड़ी हुई है? धोखाधड़ी बेटे लगाने के चक्कर में हुई जी। जैसे मन पर कहा उसने कही मैं रेलवे में लगाऊं, उसने पैसे 2 लाख उसने लिए जी। फिर ऐसे कोई 2.5 लाख, कोई 3 लाख, कोई ऐसे, फिर सब चेक फनन के द्वारा गिरवाने लगे जी। तो यानी कि जो पैसा दिया था वो खाते में दिया था, नगद दिया था? कुछ खाते में दिया जी, 8 लाख रुपया नगद दिया जी। 12 लाख रुपया? 8 लाख रुपए नगद दिया जी, 12 लाख रुपए खाते में डाला जी। अच्छा, हाँ जी। तो किस में नौकरी लगवाने के? रेलवे टीसी में जी। रेलवे टीसी? हाँ जी। कितने लोग थे इसमें जो आपसे धोखाधड़ी कर रहे थे? ये 7-8 जने हैं जी। कहाँ के हैं ये? जैसे एक मानपुर को, एक भमरौला को जी, 2 भिड़ूकी के, एक दिल्ली के, ये मैडम जी चीफ रेलवे में जी, और एक जी रवि है देहरादून का जी। ये मैडम के थ्रू सिस्टम है सब जी। कब की ये घटना है आपके साथ? 2019 से चालू है जी, तीसरे महीने में। तो पुलिस ने कोई पुलिस ने जैसे कार्रवाई कोई नहीं करी जी, जैसे 20 से चक्कर लगा रहे हैं जी। तो कभी आप इसमें किसी सीनियर अधिकारी से मिले? कभी किसी आज तक किसी से भी नहीं मिले जी। आज कहाँ आए आप अपनी शिकायत लेकर? आज शिकायत लेकर जैसे यहाँ ये आए जी थाने में जी। कौन से थाने में? सिटी पलवल। तो यानी कि जो आपने 20 लाख रुपए दिए थे उसकी कोई आपके पास रिकॉर्डिंग या कोई सबूत है? रिकॉर्डिंग भी है, सब चीज है जी हमारे पास उनकी जी। कितने पैसे? 7 लाख रुपए। एग्री भी कर रहे हैं हमारे पास पैसे। 7 लाख रुपए था जी यहाँ पे कल्लू पे भिडूकी वाड़े पे जी, 7 लाख रुपए कल्लू पे, 1.5 लाख रुपए मानवीर चौधरी के है जी वहाँ पे है जी, 2 लाख रुपए केशव पे है जी, और 1,70,000 रुपए हमरौला को है जी योगेश जी, ये कह मैं ऑन ड्यूटी चल रहा हूँ फिलहाल जी, और 8 लाख रुपए रवि पे है जी, है 10 लाख रुपए में, 8 लाख रुपए इनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, 8 लाख रुपए इनके है, आज दूंगा कल दूंगा, आज दूंगा कल दूंगा। सर एक मामला सामने आया है धोखाधड़ी का मामला, क्या मामला है? ये आज विजय निवासी कारना का रहने वाला है, इसने आज एक दरख्वास्त दी है कि मेरे साथ रेलवे नौकरी लगाने के लिए बच्चे 18-19 लाख रुपए ले लिए। तो आज इसने दरख्वास्त पेश की है, जो भी इसकी कार्रवाई होगी कार्रवाई तुरंत की जाएगी। सर ये आरोप लगा रहे हैं कि जिन लोगों ने पैसे लिए हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी उसमें सम्मिलित लगता है, परंतु 1 साल हो गया इन्हें पुलिस के धर के खाते हुए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। ये लोग मेरे पास आज ही आए हैं, सारी दरखास्त दी है इन्होंने, उसका अध्ययन करेंगे, जो भी जुर्म बनेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।